नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल की जंग में अरविंद केजरीवाल और आप सरकार की बड़ी जीत हुई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए, यानी उपराज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें? अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार नहीं होगा तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही पूरी नहीं होती। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। ये सब जजों की सहमति से बहुमत का फैसला है। ये मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या क्या कहा? चीफ जस्टिस ने संवैधानिक बेंच का फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। एनसीटीडी एक्ट का अनुच्छेद 239 AA काफी विस्तृत अधिकार परिभाषित करता है। 239 AA विधानसभा की शक्तियों की भी संयुचित व्यवस्था करता है। इसमें तीन विषयों को सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अधिकारियों की सेवाओं पर किसका अधिकार है? सीजीआई ने फैसले में कहा कि हमारे सामने सीमित मुद्दे ये है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा। 2018 का फैसला इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करता है, लेकिन केंद्र द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटना आवश्यक है। अनुच्छेद 239 AA व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। सीजीआई ने कहा एनसीटी एक पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में राज्य पहली सूची में नहीं आता। एनसीटी दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। सीजीआई ने कहा प्रशासन को जीएनसीटीडी के संपूर्ण प्रशासन के रूप में नहीं समझा जा सकता, नहीं तो निर्वाचित सरकार की शक्ति कमजोर हो जाएगी। क्या है जीएनसीटीडी अधिनियम? दरअसल दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। इसमें उपराज्यपाल को अतिरिक्त शक्ति दी थी। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए LG की राय लेना अनिवार्य किया गया था। इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 18 जनवरी को सुनवाई पूरे करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार का तर्क रहा है कि केंद्र सरकार उसके और संसद के बीच के अंतर को खत्म करना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दुनिया के लिए दिल्ली को देखना यानी भारत को देखना है। उन्होंने कहा कि चूंकि राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए ये जरूरी है कि केंद्र के पास अपने प्रशासन पर विशेष अधिकार हो और अहम मुद्दों पर नियंत्रण हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की नहीं चली और आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई। आप देख रहे हैं द भारत खबर। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।